वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। हम देखेंगे 8 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। पहला प्रश्न है इसी के अंतर्गत कि कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो जो एलपीजी कनेक्शन को 100% देने की बात की जा रही है किस राज्य के द्वारा, तो यह हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से उस उपलब्धि को हासिल किया गया है जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। तो यह भी आपको जानना है कि जो उज्ज्वला योजना है वह किस प्रकार की योजना है। तो यह भी जितने भी बीपीएल के लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उनको फ्री में एलपीजी कनेक्शन देने के लिए यह योजना है उज्ज्वला योजना। तो इसी हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार का एक योजना है, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो इससे रिलेट करके आपको याद रखना है। अब चलिए हिमाचल प्रदेश, तो देखिए ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सीमा लद्दाख से लग रही है, यहाँ पर इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लग रही है, एवं यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के ठीक आप नॉर्थ में आइए, साउथ में आइए, तो यहाँ पे इसकी सीमा किससे लग रही है, पंजाब से लग रही है, एवं इसकी देख सकते हैं यहाँ पे सीमा किससे लग रही है, ठीक पंजाब के बगल में आइए, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से भी इसकी एक छोटी सी सीमा लग रही है यहाँ पे, और उत्तराखंड से तो स्पष्ट है ही। साथ ही में इसका देख सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है यहाँ पे तिब्बत यानी कि नेपाल से। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला, तो इसे 1971 में राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी को। इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ है, तो शिमला है। इसकी शिमला जो है इसकी समर कैपिटल है यानी कि राजधानी कह सकते हैं। अगर विंटर कैपिटल पूछा जाए तो इसकी धर्मशाला है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वे बंडारू दत्तात्रेय हैं। साथ ही यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वे जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा की सीटें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो अभी हाल ही में कुछ करेंट अफेयर थे उन्हें देख लेते हैं। निगाह योजना लाया गया था, तो निगाह योजना किसके द्वारा लाया गया था, तो यह भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया गया था। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अभी देख रहे होंगे ग्रामीण रोजगार के प्रति ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ये शहरी लोगों के लिए लाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि शहरी रोजगार मुहैया कराने के लिए वहाँ के लोगों के लिए। साथ ही पंचवटी योजना, तो पंचवटी योजना भी किसकी है, तो हिमाचल प्रदेश की। ये रिसेंट के सारे करेंट अफेयर थे। यहाँ के देख लीजिए कुछ नेशनल पार्क हैं, कई बार बताया गया है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये सभी हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटवीन यू नाम से एक अभियान शुरू किया है, तो इट्स बिटवीन यू किसके द्वारा लाया गया है, तो यह फेसबुक की स्वामित्व वाली एक कंपनी है व्हाट्सएप, उसी के द्वारा लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अभियान के लिए व्हाट्सएप ने बॉलीवुड निदेशक गौरी शिंदे और विज्ञापन एजेंसी BBDU इंडिया के साथ सेवाएँ ली है। यहाँ पर इसके तहत व्हाट्सएप दो विज्ञापन बनाएगी जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे उसके संदेश भेजने, जो हम व्हाट्सएप से हम अपने संदेश भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं एवं वॉइस संदेश भी भेजते हैं, तो इस प्रकार के फीचर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इसी के अंतर्गत यह बताया जाएगा, चूँकि भारत एक काफ़ी बड़ा बाजार है और लगभग पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा प्रयोगकर्ता कहाँ हैं, तो वह भारत में ही है, लगभग 40 करोड़। तो इसलिए काफ़ी किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा ही मार्केट है भारत। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड चॉकलेट डे, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया गया, यह कब मनाया गया, तो यह रहा ऑप्शन आपके सामने, यह 7 जुलाई को मनाया गया पहली बार। यह देखिए काफ़ी पहले यूरोप में मनाया गया था 1550 में। जो शुरुआत के चॉकलेट होते थे उसमें थोड़ा क्या होता था, तो अभी के जैसे स्वाद नहीं होते थे, वहाँ पर थोड़ा तीखापन होता था, बाद में चॉकलेट में सुधार लाया गया, उसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसमें दूध, वेनीला ये सब का यूज़ किया जाने लगा। तो अभी देख सकते हैं चॉकलेट काफ़ी आपको राहत देता है, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। यह दिन खाने और जो चॉकलेट खाते हैं, साथ ही अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करने के लिए चिन्हित किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी,
तो संस्कृत से रिलेटेड बताया गया था, एक पत्रिका भी लाया गया था, तो उसी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह प्रश्न पहले भी बताया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो डीडी न्यूज के द्वारा, इसी को क्या, तो सॉरी ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा तो इसका आंसर बी। तो ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपको डिटेल बताया गया था, तो आप इसे ऑप्शन में बताइए कि इसका नाम आकाशवाणी कब कर दिया गया, इसका शुभारंभ क्या कब हुआ था। चलिए शुभारंभ बता देता हूँ, इसका स्टार्टिंग 1927 में हुआ था, और आकाशवाणी इसका नाम कब परिवर्तित कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो का, तो ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ओफेक 16 स्पाई सेटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह एक तरह का स्पाई सेटेलाइट है, तो यह किस देश के द्वारा किया गया? देखिए आंसर यहाँ पर दिख गया, यह अभी इसराइल के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसराइल। तो देख सकते हैं ये रहा मैप में इसराइल, जैसा कि आप इसकी सीमा देख रहे होंगे इसराइल की कहाँ कहाँ से लग रही है, तो इसकी देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी सीमा, ये रहा आपका इसराइल, इसकी सीमा देखिए कहाँ कहाँ से लग रही है, जॉर्डन से लग रही है, सीरिया से लग रही है, नॉर्थ वाला ये पार्ट देख सकते हैं लेबनान से इसकी सीमा लग रही है, साथ ही इसराइल का जो सीमा है इजिप्ट यानी कि मिस्र से भी लग रहा है। यहाँ पे आपको डेड सागर का लोकेशन याद रखना है, जो मृत सागर है इसका लोकेशन काफ़ी ज़्यादा, यह क्या है तो नमकीन सागर है। तो इसके बारे में जानना है कि यह किन किन दो देशों के बीच में है, तो देख सकते हैं जॉर्डन है, यहाँ पे दो से अधिक देश में है, हालांकि जॉर्डन हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, ये अभी इसराइल हो गया, और साथ ही में यहाँ पे फिलिस्तीन हो गया, तो इन तीनों को आपका लोकेशन याद रखना है। साथ ही चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना, तो वहाँ के जो बुनकर हैं उनके लिए लाया गया है नेकारा सम्मान योजना, तो किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है? तो यह कर्नाटका के द्वारा लाया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। यह क्या है? तो बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत लगभग इतना करोड़ रुपये, देख सकते हैं 10.96 करोड़ रुपये को आवंटित किया है वहाँ के बुनकरों को, इसके अनुसार रेशम कपास ऊन और हथकरघा बुनकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब कर्नाटक, तो देखिए ये रहा मैप में कर्नाटक, इसकी सीमा देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कहाँ कहाँ से लग रही है, ये देखिए इसकी सीमा यहाँ पे महाराष्ट्र से, फिर तेलंगाना से, फिर आ जाइए आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, फिर यहाँ पे केरला से, और ये आपका रहा अरबियन सी, अरबियन सागर, साथ में यहाँ पे इसकी सीमा किससे, तो जो छोटी सीमा गोवा से भी लग रही है। अब चलिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो हाल ही में करेंट अफेयर न्यूज़ में था या कहाँ से, तो कर्नाटका से। तो एक ऑनलाइन कोचिंग अभियान लाया गया था गेट सेट गो कर्नाटका के द्वारा, कोरोना वॉच ऐप लाया गया था, अपथा मित्रा ऐप लाया गया था कर्नाटका के द्वारा, प्राणवायु कार्यक्रम लाया गया था, यह भी यहाँ के राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना भी लाया गया था, साथ ही 18 जून को कर्नाटका ने क्या मनाया था, तो 18 जून को मास्क की जागरूकता को बढ़ाने के लिए मास्क दिवस मनाया था, तो ये भी आपको जानना है। यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेर घट्टा नेशनल पार्क, डांडेली, ये भी आपको जानना है कि डांडेली कहाँ है, तो ये कर्नाटका में हो गया, काली टाइगर रिजर्व, फिर यहाँ पे कुद्रेमुख, अंसी नेशनल पार्क, तो ये सारे आपको जानना है कहाँ से है, तो ये कर्नाटका से है। यह राज्य का दर्जा कब मिला इसे, तो 1956 में। इसकी राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वेजूभाई वाला, यहाँ के सीएम कौन है, तो वे बीजेपी से हैं, बीएस येदुरप्पा, इसका बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस राज्य की सरकार ने महा जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया। देखिए एक तरह का जॉब पोर्टल है, यानी लोगों को जॉब मुहैया कराया जाएगा, तो यह किसके द्वारा किया गया है, यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर करने के प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है, तो इंतजार आपका अभियान अभी किसके द्वारा किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मध्य प्रदेश का लोकेशन कई बार दिखाया गया है एवं यहाँ के करंट अफेयर भी आपको बताया गया है, तो ये देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान के माध्यम से सभी पर्यटक स्थलों का खूबसूरत तरीका से वर्णन करने के साथ ही पर्यटकों को आमंत्रित करने का ऐसा एक तरह का क्या तो प्लान किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं किस बैंक ने लोन को इंस्टेंट अप्रूवल यानी कि तुरंत त्वरित अप्रूवल के लिए, अचानक आपको लोन मिल जाए इसके जरिए,
एक लिंक भेजा जाएगा और उस पर आप आसानी से एक लोन का जो फॉर्मेलिटी होता है वहाँ पे आपको सारे चीज़ भरने होंगे और वो आपको लोन मुहैया कराएगा। तो यह जो इसका नाम क्या है, लोन इन सेकेंड। तो देखिए तुरंत लोन देने की बात की जा रही है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया, तो यह यस बैंक के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यह किसके द्वारा किया गया है, यस बैंक के द्वारा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़े। तो बताया जा रहा है कि किस राज्य ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरू किया है। तो जो धन्वंतरी रथ है यह अभी किसके द्वारा किया गया है, तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में धन्वंतरी रथ नाम से 120 मोबाइल मेडिकल वैन तैनात किए हैं। तो ये छोटे छोटे मोबाइल वैन है, तो उसमें यानी कि जो वैन गाड़ियों की मदद से क्या किया जाएगा, तो गैर कोविड जितने भी रोगी हैं, अभी देख रहे होंगे कि जितने भी आईसीयू हैं ये सब भरे हुए पड़े हैं, तो जो कोविड से छोड़कर अन्य भी जितने बीमार व्यक्ति हैं, जैसे मधुमेह से हैं, रक्तचाप से हैं, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर उनको त्वरित ज़रूरत पड़ती है मेडिकल इमरजेंसी की, तो इसके लिए क्या, तो इस प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध किया जा रहा है। गाड़ियाँ आपके घर घर जाएगी, वहाँ पर आप अपनी जाँच करा सकते हैं, एवं साथ ही वहाँ पर एक तरह का डॉक्टर भी होगा, उनके एक सहायक भी होगा और वो आपको पूरा ट्रीटमेंट करेगा और दवा भी देगा। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो अभी मछली उत्पादन में 2019 के लिए यह डाटा आया था, इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी, ये देख सकते हैं यही एक सांप है, इसका क्या है, तो नाम रेड कोरल कुकरी, किस राज्य में पाया गया। तो ये काफ़ी दुर्लभ है, इसे प्रायः कम ही देखने को मिलता है। तो ये अभी कहाँ देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क बताया गया था, दुधवा। तो देखिए एग्ज़ाम में इसीलिए नेशनल पार्क पूछ दिया जाता है, कोई नेशनल पार्क अगर खबर में है, तो अभी दुधवा खबर हो गया, खबर में आ गया है। किसके वजह से, तो रेड कोरल कुकरी की वजह से। तो आपको ये याद रखना है, ये देख सकते हैं एक लाल सांप है, तो यह इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, वहीं अभी देखा गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है। तो ऐसा पर्यावरण को दृष्टि से उसको कम करने के लिए प्रदूषण को ऐसा किया गया, तो किस देश के द्वारा, तो जर्मनी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है। तो यह अभी दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो अभी एक पुस्तक लिखा गया ये, तो ये अभी किसके द्वारा लिखा गया, RC भार्गव के द्वारा लिखा गया। कौन है RC भार्गव, तो ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं, तो इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट है कि F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है। तो अभी जो Formula 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ उसमें अभी किसने जीत पाया है, तो आपको ये जानना है, ये वाल्टेरी बोटास ने जीता है। जैसा कि आपको लुइस हैमिल्टन के बारे में पता होगा, अगर Formula 1 देखते होंगे, तो ये कौन सा गाड़ी चलाते हैं, तो ये मर्सिडीज चलाते हैं। तो ये कहाँ के हैं, तो ये UK के हैं। तो ये लुइस हैमिल्टन काफ़ी कम जो उम्र में विजेता रह चुके हैं, तो ये भी आपको जानना है Formula 1 का। सेबेस्टियन बेटल, इनके बारे में ये कौन सा गाड़ी चलाते हैं, ये फेरारी चलाते हैं, ये शायद जर्मनी के हैं, तो इनके बारे में भी देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी इस बार का कौन है, वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजेती श्रीनिवास को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी इंजेती श्रीनिवास को IFSCA के रूप में, उनके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं क्या है, तो इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। अब चलिए करते हैं रिविज़न पिछले दिन के प्रश्नों का, देखते हैं कितना आपको याद है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट अभी प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको कमेंट में बताना है कि जो ये डेली पिछले दिन का प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है, क्या ये सही है, क्या आपको ये फ़ायदेमंद लगता है। अगर हाँ या ना, तो आप इसे कमेंट में लिखें। अगर आपको फ़ायदेमंद लगता है तो ये भी बताएं, नहीं लगता तो ये भी, क्योंकि फिर इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लेड, तो LEAD किसके द्वारा लाया गया था, तो यह दिल्ली के द्वारा। वीडियो को रोक के खुद से पहले आंसर करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग, देखिए इसका आंसर दिख गया है यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो यह उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि
इनमें से किसने भारत में पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप इलाइमेंट्स लॉन्च किया है, तो अभी किसके द्वारा लाया गया था, भारत की एक यह ऐप है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो ये अभी लॉन्च किया गया था, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान लाया है, तो ऐसा अभी किसके द्वारा लाया गया था, तो ये दिल्ली के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अंतर्गत 31 लाख पेड़ लगाए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा, तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। हम तेज़ी से बोल रहे हैं इसलिए वीडियो आपको तेज़ी से रोक के उसको आंसर करना। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं, जीन कैस्टेकस, इससे पहले कौन थे, एडवर्ड फिलिप, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से रिलेटेड है, तो यह बौद्ध धर्म से, चूँकि चार क्यों खबरों में था, तो अभी 4 जुलाई को मनाया गया था धर्म चक्र परिवर्तन दिवस, तो इसी से यह खबरों में अभी था। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने जीप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन लाया है, तो ऐसा अभी किसके द्वारा लाया गया है, यह ऑटो लोन है एक प्रकार का, तो यह अभी किसके द्वारा लाया गया है, तो ये HDFC बैंक के द्वारा लाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये चीन है। हाल ही में किसने पहनने योग पेंडेंट का आविष्कार किया है, तो यह भी किसके द्वारा किया गया है, ये पेंडेंट का, इसके बारे में डिटेल कल बताया गया था, तो यह भी नासा के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि हाल ही में किस भारतीय ने साइकिलिंग में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिकन 2020 का खिताब जीता है, तो यह अभी भरत पन्नू के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने आसपास नामक खेल प्लान शुरू किया है, तो ऐसा मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणुनाशक बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है, तो ऐसा IIT रुड़की के द्वारा किया गया था, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका नाम क्या है, तो अभी पूछा जा रहा है, इसका नाम शेषनाग है। ये देखिए इसमें 4 तरह का ट्रेन है उसको जोड़ा गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया, शेषनाग। साथ ही इससे पहले सुपर एनाकोंडा, ठीक है, 1 महीने पहले वे 2 किलोमीटर लंबी थी और अभी 2.8 किलोमीटर लंबा चलाया गया। नेक्स्ट है कि CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है, तो ये फेसबुक के साथ किया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे शेयर करें। अगर रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं रहा, चूँकि मेहनत काफ़ी लग रहा है इसे बनाने में, तो जुलाई के अंत तक डेली जो करेंट अफेयर आता है उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर शेयर करिए इसको, अगर थोड़ा रिस्पॉन्ड सही आता है तो इसको निरंतर चालू रखा जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।